कर मैं सर अभी साहब की पोजीशन पास है एनालॉजिस्ट सर एक सेकंड पीछे तो अच्छा में दो ट्रू नेट आई एक डीटीसी में और एक जीएमसी में सीबी नेट एक आई उसके दो मॉड्यूल खराब है तो जो ट्रू नेट आई है वो आपकी दोनों जो ट्रू नेट है वो जी सर अभी 2022 में हमारा 23,028 क्या टारगेट दिया वो आपको 1500 हो गया नहीं पहुंच पाएंगे तो आपको कोई गोली नहीं मारेगा पहुंच गए तो आपको शाबाशी अपना टारगेट हमेशा ऊपर रहना चाहिए उसके पास पहुंच ठीक है जैसा टीम का बेस्ट टारगेट तो अभी एक्टिव ईवी कंट्रोल को अब इसको 2021 से ईवी एलिमिनेशन प्रोग्राम बना दिया तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 में ये रिजॉल्व किया था मैंडेट किया था और एक विजन थी कि हमने हिंदुस्तान को 2025 में ईवी मुक्त करना जी इसके लिए अभी हमारी जो माननीय हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं वो कल 9 तारीख को 12 बजे एक देश को संबोधन करने वाली हैं जिसमें हमने टीवी प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान शुरू करना है तो ये जो हम जिस कारण हम आए हैं तो पूरी कंट्री देखने के लिए भी हमारे प्रोग्रेस कितनी है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने टारगेट रखा था वो कितनी प्रोग्रेस है ठीक है ना क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ 2 साल बचे हैं उसको जाने के लिए तो हम ये देखने हर स्टेट में टीमें जा रही हैं ये देखने के लिए कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं कितना हमें करना बाकी है तो जम्मू में हमारी टीम आई है जिसमें उत्तर प्रदेश से भी लोग हैं दिल्ली से लोग हैं पंजाब से लोग हैं हरियाणा से लोग हैं तो ये एक टीम का हिस्सा है और हमने कल पूरा जम्मू जो है उसको देखा हर प्राइवेट प्रैक्टिशनर के पास भी गए केमिस्ट के पास भी गए लैब के पास भी गए और 2 जिले हमने यहाँ करने हैं एक उधमपुर को हमारी एक टीम सुबह उधमपुर चली गई और हम एक दूसरी टीम में कठुआ में आ गए तो यहाँ हम फील्ड में हीरानगर में जाएंगे और दूसरी जगह भी जाएंगे यहाँ का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहाँ भी जाएंगे हम ये देखेंगे ये इवैल्यूएशन नहीं है ये फॉल्ट फाइंडिंग नहीं है इसमें हम ये देखना चाहेंगे कि गैप कहाँ कहाँ है वो जो गैप है उनको पूरा करना है उसको पूरा करने के लिए हमारे पास क्या चैलेंजेस हैं तो उस चैलेंज को या यहाँ DC साहब के पास हो सकते हैं पूरे या स्टेट में पूरे हो सकते हैं या वो नेशनल लेवल के पूरे हों तो हम एक रिकमेंडेशन देंगे और हमारे जितने भी स्टेट्स की हमारी 12 टीमें हैं पूरी करने की तो हमारा नवंबर के लास्ट वीक में या जनवरी या दिसंबर में उसकी प्रेजेंटेशन वहाँ होएगी कि किसमें क्या मिला और कॉमन हम पूरे कंट्री में नेशनल लेवल के ऊपर इसको सोल्यूशन कैसे दे सकते हैं चाहे पैसे की प्रॉब्लम है चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है चाहे वो स्टाफ की प्रॉब्लम है तो क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोग्राम जो हमारे जो प्रेजिडेंट साहब इनॉग्रेट करने जा रहे हैं कल को टीवी मुक्त भारत अभियान तो इसमें भी बहुत जरूरी क्योंकि उसमें चाहते हैं चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास बहुत पैसा है हम चाहते हैं कि वो एक TU को अडॉप्ट कर ले एक डिस्ट्रिक्ट को अडॉप्ट कर ले अगर हम बात करते हैं तो हमारे कई डॉक्टर हैं जो जहां हमारी जहां से ये आइडिया निकल कर आया है उत्तर प्रदेश की गवर्नर साहिब जो कभी गुजरात की चीफ मिनिस्टर भी होती थी आनंदीबेन उन्होंने वहाँ शुरू किया वहाँ तकरीबन 2 लाख पेशेंट को अडॉप्ट कराया है ना फैमिली से अडॉप्ट कराया इसमें ज़्यादातर तो बच्चे हैं उन्होंने बच्चों से शुरू किया था और उसको लेकर वहाँ से आइडिया लेकर पूरी कंट्री में अब सभी एज ग्रुप के लोगों को लिया गया है वहाँ जो हमारा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहाँ के एक डिपार्टमेंट ने तकरीबन 1,000 बच्चों को अडॉप्ट किया तो हम यही चाहेंगे जम्मू में भी चाहेंगे हम दूसरी स्टेट में भी चाहेंगे कि हमारे साथ भी एक आए हैं डॉक्टर आए हैं उन्होंने भी
100 पेशेंट को अडॉप्ट किया है, जिसका वो सारा साल उनको ज़्यादा खर्चा नहीं है। एक पेशेंट के ऊपर 1000 रुपये का मैक्सिमम खर्चा है। अगर वो भी नहीं खर्चना है तो पेशेंट के घर में जाना है 2-3 महीने में एक बार, उसको सपोर्ट करनी है कि ये बीमारी है, दवाई खानी है, बाकी बीमारियों की तरह है। अगर दवाई नहीं खाओगे तो ये बिगड़ी हुई टीवी बन जाएगी, जिसको हम MDR TB बोलते हैं, DR TB बोलते हैं। तो हम मीडिया से भी यही बोलते हैं कि ये एक गंगा है, गंगा में सभी ने अपना योगदान देना है, ताकि हमारा देश जो है वो इस बीमारी से एटलीस्ट 2025 में टोटली मुक्त हो जाए, टीबी मुक्त हो जाए। हम ये चाहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री का जो रिजॉल्व है, उनका विजन है, जो उनका टारगेट है, वो पूरा हो जाएगा। तो हम सभी एक STS वर्कर से लेकर प्रधानमंत्री तक, वो खुद ही इस प्रोग्राम को मॉनिटर